क्या दोस्तों, आप भी अपने प्लेस्टेशन 3 के अंदर जब किसी गेम को रन करते हैं तो वो इस तरीके का एरर शो करती है, या कोई और तरीके का एरर शो करती है, या फिर वो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है और आपको फिर अपने PS3 को बंद करके फिर से चालू करना होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आती है तो आज मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। और बिल्कुल ईजी मेथड है, बस आपको समझना होगा पूरी प्रोसेस को, ठीक है? तो आप अगर एक बार समझ जाते हैं तो फिर अगली बार आप किसी भी गेम को अपने हिसाब से खुद कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको पूरा मेथड समझाने वाला हूँ कि आप क्या गलती करते हैं और किन किन वजह से ये एरर आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो वीडियो में चलते हैं आगे और बताता हूँ मैं आपको पूरा प्रोसेस, ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास दो गेम्स हैं, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे आप, मेरे पास कुछ गेम्स हैं यहाँ पर, और इन गेम्स के अंदर आप देखेंगे तो मेरे पास एक डेविल मे क्राई 4 है, गॉड ऑफ वॉर कलेक्शन है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 है और लास्ट ऑफ यूएस है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं किसी गेम को प्ले करके आपको दिखाता हूँ, मैं आपको लास्ट ऑफ यूएस को प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पर जो एरर होगा, क्या आपको इस तरीके का एरर आता है या फिर उसके डिजिट कोई और होते हैं, ठीक है? तो उसका ये प्रोसेस जो ये वीडियो होगी, ये पूरा प्रोसेस इसी में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो में बने रहना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे ये एरर शो कर दिया है 8001017, ठीक है? तो इस तरीके का अगर आपको एरर आता है, सिंपली हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये एरर नहीं आता है, कोई और एरर आता है या ब्लैक स्क्रीन हो जाता है आपका गेम, जैसे मैं यहाँ पे डिविल मे क्राई 4 को रन करता हूँ, अब मेरी गेम यहाँ पे अगर ब्लैक स्क्रीन हो जाती है तो मुझे अपना PS3 फिर से रीस्टार्ट करना होगा। देखते हैं क्या है, चलती है या नहीं, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, ये गेम कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही और मेरी स्क्रीन जो है ब्लैक हो गई है, ठीक है? अब मैं कंट्रोलर में कोई भी बटन को दबाऊंगा तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा। तो मुझे सिंपली अपना PS3 बंद करना होगा और उसे फिर से चालू करना होगा। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना PlayStation 3 फिर से ऑन कर लिया है और आपको मैंने दिखाया कि जब मैंने ये दो गेम को चला के देखा तो डेविल मे क्राई 4 जो है ब्लैक स्क्रीन शो कर गई और लास्ट ऑफ यूएस है जो मुझे एरर शो कर गई, ठीक है? तो अब इसे फिक्स किस तरीके से करना है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ और आप क्या गलती करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, आप जब भी गेम को कहीं से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट का जो यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको DLPS वेबसाइट का यूज़ करना है, ठीक है? वहाँ पर अगर आप एक बार डाउनलोड करना वहाँ से सीख लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और वहाँ की सारी गेम्स प्रॉपरली रन करती है, यानी कि 100% वर्क करती है, कोई गेम आपको एरर नहीं देगी। क्योंकि अगर आप किसी अदर वेबसाइट से गेम को डाउनलोड करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है, लाइक जैसे रोम्स फन से काफ़ी गेम्स जो ऐसी होती है जो ये प्रॉब्लम देती है। तो रोम्स वन वेबसाइट है, वहाँ से भी गेम अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ की गेम भी जो होती है काफ़ी एरर वगैरह शो करती है, हालांकि चल जाती है, बट उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है दोस्तों, कि जब आप किसी वेबसाइट से किसी गेम को डाउनलोड करें तो उसमें उस गेम की फ़िक्स फाइल भी होती है, ठीक है? उसमें लिखा होता है नीचे गेम की अपडेट फिक्स फाइल और ब्लैक स्क्रीन फिक्स फाइल, ठीक है? हैन वालों के लिए कुछ अलग होती है, CFW वालों के लिए कुछ अलग होती है। और अगर आपको डाउनलोड करने का तरीका नहीं पता है दोस्तों, तो आप सिंपली चले जाएं मेरे टेलीग्राम पे और वहाँ पर मैंने बताया है कि आप किस तरीके से PS3 की या PS4 की गेम को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, ठीक है? और एक बार आपने वो प्रोसेस समझ लिया तो आप किसी भी गेम को इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे। मेरे चैनल पर सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है, आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है सब। अगर 4 GB से बड़ी गेम है तो, 4 GB से छोटी गेम है तो, आप अगर जाके चैनल पर चेक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो आप एक बार टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लें मयूर गेमिंग और वहाँ पे आप PS3 की वीडियो ढूंढ लें, आपको मिल जाएगी किस तरीके से गेम को डाउनलोड करना है, ठीक है? डाउनलोड कर लें DLPS वेबसाइट से, देन उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोग हैन को इंस्टॉल नहीं करेंगे, पहले मैं बात बता देता हूँ, अगर आप लोग हैन यूज़ करें और अगर आपने हैन को इनेबल नहीं किया होगा तब भी आपको एरर शो करेगा, ठीक है, डिजिट वाला। तो आपको सबसे पहली बात, अगर आप हैन यूज़र है तो आपको हैन इनेबल करने के बाद गेम को रन करना है, ठीक है? और दूसरी बात, जो CFW वाले हैं उनको हैन को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली अपने गेम को आते हैं और रन कर लेते हैं तो उनकी गेम चल जाती है, ठीक है? अब फर्स्ट तो ये हो गया, अगर आप हैन को इनेबल नहीं करेंगे तब भी आपको एरर शो करेगा इस तरीके का। दूसरी बात, अगर आपने वेबमैन इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों और आपने किसी गेम को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वेबमैन में जाके, मल्टीमैन में जाके, सॉरी। तो ये देखेंगे, ये मल्टीमैन है और ये आपको दिख रहा होगा ये वेबमैन है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेबमैन है।
तो वेबमैन और मल्टीमैन पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। पहले मैं मल्टीमैन में चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप नई गेम को इंस्टॉल करते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, आप कभी किसी गेम को डाउनलोड करके अपने PS3 में इंस्टॉल करते हैं या कॉपी करते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि अगर आपने, जैसे मान लीजिए मुझे डेविल मे क्राई 4 जस्ट अभी मैंने इंस्टॉल किया अपने PS3 में, तो मुझे इसके ऊपर स्क्वायर दबा के, और यहाँ पर आप देखेंगे BD मिरर, ठीक है, इसे टिक करना होगा, और ये इंटरनल, इन दोनों को टिक करना ज़रूरी। अगर आपने वेबमैन इंस्टॉल नहीं कर रखा है, अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ये सेटिंग कर लें, इन दोनों को टिक करके ओ प्रेस करके बैक आ जाएं, ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको भी करना ज़रूरी है। और अगली जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ये तो सेकंड हो गई। अब थर्ड जो चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपकी गेम जो होती है प्रॉपर तरीके से कॉपी नहीं होती है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए मेरी डेविल मे क्राई 4 है, अभी ये गेम का साइज़ लगभग 8 से 9 GB का फाइल का साइज़ है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका आपको मैं साइज़ दिखाऊँ, चलते हम फाइल मैनेजर में, और मैं इसका आपको साइज़ दिखाता हूँ कि ये कितनी MB की या कितनी GB की गेम है मेरे पास, मैंने जो इंस्टॉल कर रखी, ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपली बैक आएंगे एक बार, और डेविल मे क्राई 4 पे क्लिक करूँगा, और इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ चेक करूँगा एक बार, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पाएंगे, एक्स दबाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए तो मुझे क्या दिखा रहा है, साइज़ 0.07 GB, यानी कि इसमें कुछ भी इंस्टॉल हुआ ही नहीं है, मतलब ये गेम कुछ है ही नहीं, मतलब इसके अंदर कुछ भी फाइल प्रॉपर तरीके से कॉपी हुई ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये गलती भी करते हैं कि आपने गेम को प्रॉपर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं की है उसकी प्रॉपर साइज़, ठीक है, तब भी आपको ये गेम एरर देगी या ब्लैक स्क्रीन करेगी, क्योंकि आप जब तक अपनी गेम को पूरी कंप्लीटली इंस्टॉल या कॉपी नहीं करेंगे अपने PS3 में, तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिंपली मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से आ जाता हूँ बैक, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट ऑफ यूएस का भी दिखा देता हूँ एक बार। अब लास्ट ऑफ यूएस जो है मेरे पास लगभग ये जो गेम है 28 GB की गेम है, बट यहाँ पर PS3 में कितनी GB की दिखा रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसे देखिए, ये भी है 0.29 GB, ठीक है, यानी कि इसमें भी कुछ भी नहीं है, कम से कम एटलीस्ट 1 GB तो होना चाहिए था ना। हालांकि 1 GB की कोई गेम नहीं आती, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि गेम अगर होगी तो उसके जो साइज़ होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, ये जो मैंने गेम दोनों इंस्टॉल की, ये प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गेम अगर प्रॉपर कॉपी नहीं हुई तो ये PS3 में स्क्रीन पे आ गई, यानी कि MMCM में मल्टीमैन में क्यों शो हो रही है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी गेम को कॉपी करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी अगर थोड़ी सी भी फाइल अपनी आपने PS3 में इंस्टॉल कर दी या कॉपी कर दी होगी, तो वेबमैन आपको वो शो करवा देगा, ठीक है, आपकी जो स्क्रीन होती है मल्टीमैन की, वहाँ पे वो शो करवा देगा। लेकिन दोस्तों उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गेम रन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर कॉपी नहीं हुई है। तो सिंपली मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, मैं इन दोनों को टिक कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये गेम मेरी प्रॉपर कॉपी नहीं हुई है। अब सिंपली मैं इसे क्लोज़ करूँगा और यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक जो गेम है लाइक लास्ट ऑफ यूएस तो बहुत बड़ी गेम है, तो उसे कॉपी करने में मुझे टाइम लगेगा। मैं आपको एक डेविल मे क्राई छोटी गेम है तो मैं आपको वो कॉपी करके रन करके दिखवाता हूँ, तो अब पता चल जाएगा आप लोगों को कि वो क्यों वर्क नहीं कर रही थी, ठीक है। अब चलते हैं PC की स्क्रीन पर और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी USB पेन ड्राइव को अपने PC में लगा दी है, ठीक है, देन इसे यहाँ से मैं सबसे पहले जो होगी अपनी USB पेन ड्राइव को फॉर्मेट करूँगा, और फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखें FAT32 करें, और अगर आप फाइल मैनेजर यूज़ कर रहे हैं जो मैंने बताया था किसी वीडियो में, तो अगर फाइल मैनेजर यूज़ कर रहे हैं तो आपको NTFS फॉर्मेट करना है, अगर 4 GB से बड़ी गेम होती है, ठीक है। इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ FAT32 पे, ये हो गई, इसे क्लोज़ करेंगे, अपनी USB पेन ड्राइव को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है गेम्स, ठीक है, कैपिटल लेटर में, और अगर आप ना भी बनाएं तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे, उसके बाद जहाँ पर हमने अपनी गेम रखी है, जहाँ भी डाउनलोड करके आपने जिस भी फोल्डर में रखी है उसे ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये डेविल मे क्राई 4। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इसका साइज़ आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाकर, अगर तो यहाँ पर इसका साइज़ आप देखिए 7.60 GB,
जो इसका साइज़ है, और जब मैंने PS3 में दिखाया था तो इसकी साइज़ 1 GB भी नहीं थी, ठीक है, यानी कि हमारी गेम प्रॉपर कॉपी नहीं हुई थी। अब मैं इसे परफेक्ट तरीके से कॉपी करूँगा, ठीक है, और कॉपी करते टाइम भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप अपने USB के अंदर किसी गेम को कॉपी करते हैं तो आपको कॉपी हो जाने के बाद आपको यहाँ पर USB पे आना है और यहाँ से इसे इजेक्ट करना है, ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखें। इजेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो भी आप फाइल आप कॉपी कर रहे हैं अपनी पेन ड्राइव में, वो प्रॉपर तरीके से जब तक कॉपी नहीं होगी तब तक आपका PC उसे अनप्लग करने की परमिशन नहीं देगा। तो दोस्तों गेम अपनी कॉपी हो गई है, अब मैं क्या करूँगा, एक बार दोस्तों अपनी गेम का फाइल से जो साइज़ है वो चेक करूँगा, ठीक है, क्योंकि कंफर्म होना चाहिए कि जो गेम हमने डाउनलोड की थी उतनी ही GB की गेम हमें पेन ड्राइव में भी शो हो रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरी साइज़ देख सकते हैं गेम की, जो 7.60 GB, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने PC में एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो डाउनलोड की थी और वो कॉपी की है तो वो सेम साइज़ है, देखिए 7.60 GB, ठीक है, तो यानी कि हमारी पेन ड्राइव में जो है गेम प्रॉपर कॉपी हो गई है। अब यही गेम हमें जो है अपनी PS3 में कॉपी करनी, सिंपली मैं इसे क्लोज़ करूँगा, और आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप अपनी पेन ड्राइव में गेम को कॉपी कर लें तो यहाँ से बैक आके अपनी USB पेन ड्राइव को यहाँ से इजेक्ट करें, ठीक है। जब ये इजेक्ट हो जाता है यहाँ पे लिखा आ जाता है सेव टू रिमूव, ठीक है, तो सिंपली अपनी पेन ड्राइव को निकाल लें। और अब इस पेन ड्राइव को मैं अपने PS3 में प्लग इन कर देता हूँ। तो दोस्तों पेन ड्राइव मैंने अपने PS3 में लगा दी है, अब मैं सिंपली मल्टीमेन में जाऊँगा, यानी MMCM, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। अब देखिए दोस्तों मेरी गेम यहाँ पर डिविल मे क्राई 4 शो हो गई है, लेकिन अगर आप किसी फोल्डर में, जैसे मैंने गेम्स फोल्डर बना के उसके अंदर ही इसे कॉपी किया था तो ये यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन अगर आप फोल्डर में कॉपी नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर में लिख के गेम्स को उसके फोल्डर में कॉपी नहीं करेंगे, तो वो गेम यहाँ पर शो नहीं होगी। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पर शो कर जाती तो आपको सिंपली ट्रायंगल दबा के इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अगर यहाँ पे शो नहीं होती है तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, फाइल मैनेजर पे एक्सप्रेस करना है, यहाँ से PS3 रूट पे आके एक्सप्रेस करेंगे डबल टाइम, और यहाँ से आपको अपने USB पेन ड्राइव को ओपन करना है, ठीक है। USB पेन ड्राइव को ओपन करेंगे, तो मैं अपनी USB पेन ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और गेम्स में जाएंगे, और यहाँ से मैं अपने गेम के फोल्डर पे एक बार टिक करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, ओ प्रेस करूँगा, और यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी पे फिर से एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ से बैक आएंगे, हमने अपनी गेम को कॉपी कर ली, यहाँ से बैक आएंगे, अगेन बैक आएंगे, और अब हमें जाना होगा DivHD0 में, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर गेम्स आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है, इस पर डबल बार एक्सप्रेस करेंगे, और यहाँ पर अपने एरिया क्यू के लागे ओ प्रेस करेंगे और एक्स दबा के पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यस करेंगे, और अपनी जो गेम होगी वो USB पेन ड्राइव से अपने PS3 में कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसे जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों गेम अपनी यहाँ पर कॉपी हो चुकी है, अब सिंपली मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा, यहाँ से हम क्लोज़ करेंगे इसे, और दोस्तों उसके बाद मैं आऊँगा गेम्स पे, डबल प्रेस करेंगे यानी एक्स को, और एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे एक्स प्रेस करके। और दोस्तों अगर आपका इंटरफेस कुछ अलग तरीके का हो तो आप L1 या R1 दबा के इस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने इंटरफेस को, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इस इंटरफेस पे हूँ और मैंने रिफ्रेश कर लिया है, अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पेन ड्राइव की गेम और PS3 में जो गेम मैंने कॉपी की वो दोनों शो हो रही है। तो मैं अपनी USB पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो देखिए एक मेरी गेम यहाँ से रिमूव हो गई, ठीक है। अब अगर मैंने वेबमैन इंस्टॉल नहीं किया होता तो मुझे इसकी जो है गेम पर आके स्क्वायर दबा के ये सेटिंग करनी होती, यानी BD मिरर और इंटरनल पे टिक लगाना होता, ठीक है, लेकिन मैंने वेबमैन इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली ओ दबा के बैक आऊँगा और गेम को यहाँ से रन कर दूँगा। अब मैं दोस्तों देखता हूँ क्या मेरी गेम ब्लैक स्क्रीन करती है जो कि पिछली बार की थी, या सिंपली रन हो जाती है, ठीक है, वो प्रेस करेंगे। दोस्तों मैं अपनी गेम के ऊपर एक्सप्रेस करके इसे रन करता हूँ और देखता हूँ क्या ये ब्लैक स्क्रीन करती है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों मेरी गेम सिंपली जो है वर्क कर रही है, यानी कि चल गई है, ठीक है, क्योंकि
जब पिछली बार मैंने इसे चालू किया था तो ये ब्लैक स्क्रीन कर रही थी। वो क्यों कर रही थी मैंने आपको रीज़न बताया, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या आप गलती करते हैं वो चीज़ें मैंने सारी इसमें यानी कि कवर कर दी है। ठीक है, तो आप लोग को बस इसी बात का ध्यान रखना है, वेबसाइट जो मैंने बताई है वहाँ से डाउनलोड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और कर भी लेते हैं तो किसी किसी गेम में उसकी फिक्स फाइल होती है, यानी कि ब्लैक स्क्रीन की फिक्स फाइल, जो ब्लैक स्क्रीन की फिक्स फाइल होती है और DLC की होती है, अपडेट की होती है। ठीक है, तो आपको सब चीज़ें देख के फिर उस गेम को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, सब चीज़ों को समझ के। तो यही था पूरा वीडियो दोस्तों, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो मुझसे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।